जीवन में कई बार जब व्यक्ति पीछे पलट कर देखता है तो उसे ये मालूम चलता है कि कई ऐसे दिन थे जहां लगातार जद्दोजहद थी, वो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर था, किंतु न जाने कितने लोग बाधाएं खड़ी कर रहे थे, विपत्तियां बार बार आ रही थी, समय का सार्थक स्तर उसके साथ में नहीं था। किंतु वहां पर उसे लगने लगता है, और जब भी वो इतिहास पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि कोई भी व्यक्ति वहां उसके साथ में नहीं था, किंतु वहीं से कृतज्ञता का भाव कम होने लगता है। कई लोग जिन्होंने हमारे भीतर विश्वास किया, जिनके शब्द अनुगूंज बनकर मन में संचारित होते रहे, और संघर्षों के समय में, नकारात्मकता के समय में, अकेलेपन में वो लगातार एक संजीवनी की तरह साथ में रहे, और उसी की बदौलत हम वो समय निकाल पाए। तो इसीलिए कृतज्ञता का भाव प्रत्येक स्तर के ऊपर रखना आवश्यक है। वो माता पिता जिन्होंने इस उम्र तक और सारी ही स्थितियों के साथ में बाधाओं को पार करते हुए हमें ये जीवन दिया, वहीं पर सर्वोच्च सत्ता जिसकी वजह से इस जीवन का आधार है, ये ग्रही व्यवस्था जिसके एक स्तर के साथ में हम लगातार संचालित हैं, वो मित्र, वो सहयोगी, वो लोग जो लगातार कभी पीठ थपथपाते रहे तो कभी हमको साहस देते रहे, ये कृतज्ञता का भाव अगर मन में रहता है तो व्यक्ति हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है, और फैसिनेशंस के अंदर सेंसेशंस के साथ में चलते हुए गलत डिसीजन को भी अपने जीवन में नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी जड़ें आज भी जमीन के साथ में जुड़ी हुई है। खैर, 30 जनवरी 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं, उपस्थित हैं। पंचांगीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, दैनिक राशिफल की तरफ चलेंगे, तो वहीं ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि सूर्य प्रधान सिंह लग्न के लिए भाग्येश रत्न कौन सा हो जाता है और किस तरह से उसको धारण करने की आवश्यकताएं हमें रहती है। तो पंचांगीय व्यवस्थाओं में 30 जनवरी 2020 बृहस्पतिवार, माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि स्थान में ही विराजित रहेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियां आज रहने वाली है, सूर्यदेव मकरस्थ गतिशील है, तो वहीं 30 और 31 की मध्य रात्रि अंतराल में बुध भी कुंभ राशि में संचरण करने वाले हो जाएंगे। शुरुआत मेष राशि की करें उसके पहले सिंह लग्न के लिए चर्चा, आप यहां देखें कि सिंह लग्न के लिए नवमेष हो जाते हैं स्वयं मंगल, तो जब मंगल नवमेष हो गए और साथ ही साथ में सिंह लग्न के लिए और कर्क लग्न के लिए योग कारक स्थितियों में भी स्वयं मंगल ही होते हैं, यहां पर मूंगा धारण करना भाग्येश को प्रबलता देने के बराबर होता है, योग कारक स्थितियों के अंदर वृद्धि करने वाला भी होता है, तो वहीं पर कई बार जब व्यक्ति कॉन्फिडेंस की कमी से, ऊर्जा की कमी से जूझता है, बार बार कामकाज में अवरोध आते हैं, तो उसको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में मंगल किस तरह से गतिशील हैं, या फिर भाग्येश होकर स्वयं से द्वादश तो विराजमान नहीं है, या फिर 6-8 के संबंध में तो विराजित नहीं है, शत्रु ग्रहों के साथ में तो नहीं है, नवमांश में अगर वर्गोत्तम हो तो पहनने की आवश्यकता है या नहीं, ये सब कुछ जानकारी प्राप्त करके ही हमको मूंगा धारण करने की तरफ जाना चाहिए, ये जरूर आप स्मृतियों में रखें। किंतु नैसर्गिक तौर के ऊपर, इंट्रिंसिक अप्रोच के ऊपर आप कोरल धारण करने की तरफ जा सकते हैं, जिसके बेनिफिट भी लगातार सामने आते हुए देखे जाते हैं। कामकाज में अवरोध हो, निर्णायक मौकों के ऊपर ऊर्जा की कमी हो, या फिर सिक्स हाउस के साथ में मंगल का सीधा संबंध जुड़ा हुआ हो ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर, और बार बार व्यक्ति एनेमिक हो रहा हो, चोटिल हो रहा हो, तो वहां पर भी एक बार गौर करके मूंगा पहनने की तरफ जाया जा सकता है, ये जरूर आप ध्यान रखें। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में, चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, आज आपको आलोचनाओं से बचना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जब कई बार हम आलोचनाएं करते हैं, यानी कि ऑफिस कल्चर के अंदर हैं, और किसी व्यक्ति से हमको एक फ्रस्ट्रेशन है, उस व्यक्ति ने बार बार परेशान किया है, आज 7 से 8 लोग खड़े हुए थे, आप एक ग्रुप के अंदर थे, और कोई भी ऐसा कमेंट पास हुआ, उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचा, पर्सनल ग्रजेस डेवलप होती चली गई, और आपको भी एक क्रिटिक की शक्ल के अंदर देखा जाने लगा, आप ऐसे थे नहीं, किंतु एक व्यक्ति विशेष की स्थितियों की वजह से और उसके उकसाने की वजह से उस तरफ आप चले गए, तो स्वयं का ही नुकसान करने का कार्य किया, उससे बचने की कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। पराक्रम के अंदर आज आपके लिए वृद्धि रहने वाली रहेगी ही रहेगी। वहीं पर ये भी आपको गौर करके चलना चाहिए कि कोई भी ऐसे अनर्गल खर्चों से हम लगातार बचते चले जाएं जिनकी दरकार और आवश्यकता जीवन के अंदर नहीं है, ये तो रही एक बात। वहीं शत्रुवत स्थितियों के बारे में मैंने चर्चा की, आंतरिक शत्रुओं के ऊपर भी नियंत्रण रखने की उतनी ही आवश्यकताएं आज भी आपके लिए बनी हुई है, जैसे कि
पिछले दिन थी। इस बात को भी आप गौर करके चलें, अनुशासन को जीवन के अंदर सम्मिलित करके रखें, तो वहीं पे कम्युनिकेशन के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को आज स्वयं के लिए परिवर्तन से बचने की दरकार रहेगी। कोई भी एडिक्शन साथ में अगर जुड़ा हुआ है और उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, उससे आप स्वतंत्र होकर आगे चलना चाहते हैं, आज किए गए प्रयास आपके लिए सार्थकता को लेकर आने वाले रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट एक कम स्तर के ऊपर बना हुआ है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर थोड़े से ब्लॉकेजेस आपके लिए आ सकते हैं। भूमि संबंधित कोई भी कार्य विशेष है तो वहां निर्णायक स्तर की तरफ बढ़ने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आज आपकी तर्क शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है। जो भी जातक शिक्षा के अंतराल के साथ में जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए यश मान और सहयोग मिलता हुआ देखा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो बाधाएं बनी हुई थी या फिर जिन चुनौतियों का सामना करने से हम स्वयं को पीछे कर रहे थे, वहां पर भी आज एक रफ्तार आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी ही रहेगी। शेयर मार्केट कामकाज के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, लॉन्गर टर्म के साथ में चलना हो, आप उस तरफ भी चलने का कार्य कर सकते हैं। सफलता के प्रतिमान गढ़ते हुए आप स्वयं के लिए देखे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, शनिदेव प्रदान जो भी कार्य विशेषक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां पर निर्णय लेने से हिचकिचाने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। स्व प्रेरणाएं और सेल्फ मोटिवेशन की जो पोजीशन होती है वो बहुत अच्छे से मन के भीतर तक जागृत है, तो उसके साथ भी आप चलायमान होने का कार्य बेहद आसानी से करते हुए बढ़ सकते हैं। इस बात को भी आपको स्मृतियों में अक्षुण करके चलना चाहिए। गृहस्थ जीवन और संतान पक्ष का सहयोग आज भरपूर तरीके से रहने वाला है। मिथुन राशि की अगर मैं चर्चा करूं तो जो लीडरशिप क्वालिटी आपने इतने वर्षों के अंदर स्वयं के भीतर डेवलप की है, आज उसकी चकाचौंध के साथ में चलने का समय आपके साथ में है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आज एक वरद हस्त स्थापित रहने वाला रहेगा। वहीं पर आप देखें कि अज्ञात भय जो बार बार परेशान कर रहे थे, वहां पर भी एक नियंत्रण बना हुआ है। पिता के साथ में किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र में आपने शुरुआत कर दी है या उनके साथ में उनके ही बिजनेस में इंटेलिजेंस आपने बढ़ा दी है, धीरे धीरे आपको कुछ लीकेज समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे ही समझ में आ रहा है कि जो पिताजी के विश्वस्त लोग हैं उसमें से ही कहीं ना कहीं परेशानियां है। षड्यंत्रकारी स्थितियां बहुत लंबे समय से चल रही है या छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। अभी स्वयं को शांत चित्त करके सारी स्थितियों के साथ में संलग्न होने दीजिए। रिएक्टिव होने से जितना बचेंगे उतना ही खुद के लिए सारगर्भित स्तर को निर्मित करने वाले आप रहेंगे। इच्छा शक्ति प्रत्येक कामकाज में बनी हुई है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास आप आज करते चले जाइएगा। हिडन प्रॉब्लम्स और छोटे छोटे ब्लॉकेजेस नहीं सताने वाले हैं, तो वहीं पे स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण में मानसिक स्तर के ऊपर सुधार आने की उम्मीद पुरजोर तरीके से यहां देखी जा सकती है आपके लिए। कर्क राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो कई नए रास्ते सामने आ सकते हैं, कई नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं, किंतु जिस और भी बढ़ना है, जिस तरह से बढ़ना है, वहां पर थोड़े से पॉजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। त्वरित गति के साथ में आपको अपना डिसीजन सुनाने से बचना चाहिए। कोई आपका मित्र आया, उसने कहा कि इस नए प्रोजेक्ट के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ जाइए, आप पहले से 2 से 3 कामकाज के अंदर संलग्न है, आपको वो फैसिनेशन के साथ में चलता हुआ प्रोजेक्ट लगा और जब उसकी प्लानिंग सुनी तो समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छे लेवल की तरफ जाया जा सकता है इस व्यक्ति के साथ में। किंतु वहीं पर एक बार ये समझें कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क रहता है। व्यक्ति को कई बार समझा दिया जाता है कि आप फला रास्ते से चलते चले जाइएगा, किंतु उसे बार बार रुककर पूछना होता है, बार बार ये समझने की आवश्यकताएं होती है कि रास्ते किस ओर से जा रहे हैं। तकनीक के इस युग में भी बार बार पूछने की रिक्वायरमेंट कई बार रहती है, तो हम जब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात करें और वो भी किसी व्यापार की बात करें, वो भी किसी प्रोफेशनल अप्रोच की बात करें, तो बहुत ठंडे दिमाग से उन सारी ही स्थितियों के बारे में एक बार सोचें, विचार करें, फिर ही बढ़ने वाले रहें तो ज्यादा बेहतरी बनी रहती है। अगर आप उच्च शिक्षा के किसी भी कामकाज की ओर त्वरित गति के साथ में बढ़ने वाले हैं तब भी ये ध्यान दीजिएगा कि इस दिन लिया गया निर्णय लंबे समय तक आपको फायदे के स्तर के साथ में रखने वाला रहेगा ही रहेगा। भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ यहां मित्रों और जो रिश्तेदार होते हैं उनका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। मानसिक स्तर के ऊपर मजबूती पूर्ण रूपेण दिखाई दे रही है। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख
की तरफ बढ़ना चाह रहे थे उसकी शुरुआत अभी तक नहीं हो पा रही थी, डिले था। ये दिन अगर कोई भी ऐसी पर्सनल रिलेशन की डेवलपमेंट की पोजीशंस की तरफ इशारा करता है तो आपको जरूर उस तरफ सोचना चाहिए, विचार करके बढ़ना चाहिए। सिंह राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम फैसिनेशन से बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कई बार जीवन के अंदर फैसिनेशन आती है, वो व्यक्ति को नए ही रास्ते की तरफ लेकर चली जाती है। वो बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में चल रहा था, किंतु फैसिनेशन आई, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए और हमने पूरे ही रास्तों को बदल कर रख दिया। वहां से थोड़ा सा बचने की दरकार और रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको बचना चाहिए। विश्वास और आत्मविश्वास के अंदर जो विभेद होता है वहां पर भी आप थोड़ा सा सोचें और समझें। आत्मविश्वास, व्यक्ति जब प्रथम बार किसी से मिला तो आत्मविश्वास जागृत हुआ, उससे मीटिंग के अंदर जो कन्विंसिंग पावर थी वो निकल कर आई, किंतु धीरे धीरे उसके अंदर एक विश्वास डेवलप करना रहेगा कि वो हमारे साथ में क्यों जुड़े, किस तरह से जुड़े और कहां पर बढ़े। ये सारे ही प्रश्नों के अंदर आज थोड़ा सा सोच और समझ की दरकार रहेगी। विश्वास की स्थितियों को ज्यादा लेकर चलें, आत्मविश्वास की स्थितियां भले ही थोड़ी सी कम बनी रहे कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की दरकार है, तो वहीं पर अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में, मशीनरी संबंधी उद्योग के साथ में जुड़े हुए हैं, डिसीजंस को रोक कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। विदेश संबंधी गतिविधियों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी कामकाज है, कोशिश करें कि 31 जनवरी को उस निर्णय की तरफ बढ़ें, 30 जनवरी को हम थोड़ा सा अवॉइड करके चलने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में वात संबंधी जो रोग होते हैं वो परेशान करने का कार्य आपको कर सकते हैं, तो खान पान के ऊपर नियंत्रण, साथ में ही जो डेली रूटीन आपका जुड़ा हुआ है वो कतई डिस्टर्ब नहीं हो। व्यक्ति कई बार कामकाज के सिलसिले के अंदर अपने डेली रूटीन को बहुत पीछे छोड़ देता है। आप अपने डेली रूटीन को जरूर फॉलो कीजिए, जिससे अनुशासन लगातार पनपने लगता है और कामकाज में भी व्यवस्थित स्तर आता हुआ दिखाई देता है। गृहस्थ आज मजबूत स्तंभ के साथ में आपके समक्ष चलने वाला रहेगा ही रहेगा। कन्या राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो सर्वप्रथम कई बार व्यक्ति को जब ऑफिस के अंदर जिम्मेदारियां मिलती है तो उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिलता है, अपनी रचनात्मक प्रगति को कामकाज में लगाने के सुअवसर भी उसको प्राप्त होते हैं। तो यहां पर बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ऐसा ही ये दिन बना हुआ है जो कि डेवलपमेंट की तरफ आपको लेकर जाने वाला रहेगा। किसी भी अपॉइंटमेंट की तरफ अगर आप जा रहे हैं, यानी कि किसी भी नए इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल चुका है, आप एग्जीक्यूशन के फ्रेम की तरफ अग्रसर हैं, ये दिन सार्थक आपके लिए उस सारे ही स्तर के ऊपर बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कामकाज को शुरू करने की तरफ आप अग्रसर होना चाहते हैं, जिससे कि आगे जाकर आप अपने जॉब की, अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्क ले सकें और वेंचर में खुद को एस्टेब्लिश कर सकें, दुगनी रफ्तार से उस तरफ जा सकें, तो उसकी शुरुआत भी आपको जरूर यहां पर कर देनी चाहिए। कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी कामकाज की नई शुरुआत करने से आप बचकर रहें, तो वहीं पराक्रम का व्यर्थ हनन करने से भी आपको बचना चाहिए। इसको अगर इस तरह से समझा जाए कि कोई भी व्यक्ति विशेष मिला उसके साथ में हम क्लैशेस की ओर गतिमान हो गए, वहां से भी थोड़ा सा बचकर चलने का प्रयास हमको जरूर करना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन कई नए परिणाम लेकर आने वाला रहेगा ही रहेगा। तुला राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर व्यापार में जो भी आप निर्णय ले रहे हैं उसमें अपनी रफ्तार को थामे रहिएगा। त्वरित गति के साथ में अगर निर्णय लेते हैं तो नुकसान की स्थितियां बनती हुई देखी जा रही है, उससे बचना चाहिए। जो भी कामकाजी जीवन में व्यय निकल कर आते हैं तो उसको सेग्रीगेट करके रखें कि क्या इसकी आवश्यकता अभी है या रुका जा सकता है। रुका जा सकता है तो महीने के अंत के अंदर खुद के बजटरी पोजिशंस को डिस्टर्ब करने की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पुराने रिश्तों के अंदर सुधार की उम्मीद यहां पर देखी जा सकती है, तो वहीं गृहस्थ जीवन में भी जो छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस पनपे हुए थे, पहले छोटे छोटे क्लैशेस सामने आए और उसके बाद में हम उसमें सुधार की तरफ चले गए, ये स्थितियां भी दिखाई दे रही है। बॉन्डिंग बढ़ती हुई यहां पर आपके लिए देखी जा सकती है। विदेश संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, आउटसोर्सिंग हो गई या फिर कोई भी ऐसा कार्य विषयक हो गया जहां पर आप अपनी मौखिक योग्यता के द्वारा उस व्यक्ति विशेष से जुड़ने वाले होते हैं, उन सारे ही कामकाज में बेहतरी आपके लिए देखी जा सकती है। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे वहां पर आज भी सुधार की गुंजाइश कम है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर चलने की रिक्वायरमेंट
यहां रहेगी ही रहेगी। कोई भी लव लाइफ या फिर अफेयर्स के साथ में आपका चलना है, ये उसको निर्णायक मोड़ की तरफ आप पहुंचाना चाहते हैं, तो कुछ समय खुद को जरूर देना चाहिए। आज उस डिसाइसिव अप्रोच की तरफ नहीं जाएं, कलम ताल को थोड़ा सा रोक कर रखें, ये प्रयास आप जरूर करें। वहीं अगर मैं वृश्चिक राशि की चर्चा करता हूं, तो जो आपने पहले काम किए थे, जो भी कामकाज बहुत पहले आपके द्वारा हो गए थे जिसके रिजल्ट हमको उस समय नहीं मिले, आज उस रिजल्ट की उम्मीद आपके लिए पुरजोर तरीके से की जा सकती है। कैलिबर के अंदर लाभ रहेगा, तो वहीं पे आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में भी ये दिन आपके लिए नई स्थितियों को निर्मित करने वाला कहा जा सकता है। जो भी महानुभाव मेडिको फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, जो भी महानुभाव टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, टेक्नो मैनेजमेंट के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी नया ऑफर आपको मिलता है उसको स्वीकार करने की तरफ आप जरूर जाएं। यहां पर खुद को रोकना अपने लिए नई संभावनाओं को ब्लॉक करने के बराबर होगा। इस बात को नोटिफाई करके आप चलते चले जाइएगा। गृहस्थ जीवन के भीतर जो एक सुखमय वातावरण रहना चाहिए वो भी रहेगा, तो वहीं यात्राएं आपको लाभ देने वाली रहेंगी। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत आज आपके लिए मिलते हुए देखे जा सकते हैं। किसी भी नए ट्रीटमेंट को अगर आप करवाने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे और समर्थित स्तर के ऊपर नए आयाम को बनाता हुआ भी देखा जा सकता है। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ना है या फिर संतान पक्ष को किसी और कामकाज की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ये दिन उनके साथ में कम्युनिकेशन करना और निर्णायक मौकों की तरफ जाने में जो एक सहायता मिलनी चाहिए उस लिहाजा भी बहुत बेहतर कहा जा सकता है। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहां पर भूमि संबंधित कामकाज में भी बहुत अच्छे स्तर देखे जाएंगे, तो इस अवसर को आप गंवाने की तरफ नहीं जाएं, ज्यादा से ज्यादा समय अपने कामकाज को देते चले जाएं। वहीं अगर मैं धनु राशि की चर्चा करूं, तो व्यर्थ के कलह से बचने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटे छोटे कलह निकल कर आते हैं उससे थोड़ा सा खुद को अवॉइड करने का या दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज है वहां वृद्धि आपके लिए देखी जाएगी, तो जो भी मैनेजमेंट के साथ में जुड़ी हुई पोजिशंस होती है वो भी निर्णायक तौर के ऊपर आपको आगे लेकर जाने वाली रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के बहकावे में आकर अपने कामकाज में परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, आप आईटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले थे 30 जनवरी को टालना चाहिए, 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी की तरफ आप बढ़ते हैं तो अच्छे परिणाम और सुखद स्तर निकलकर सामने आते हुए आपके लिए देखे जाएंगे ही जाएंगे। ये तो रही एक बात, जो भी महानुभाव शिक्षा के अंतराल के साथ में गतिशील हैं उनके लिए छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस बने हुए हैं, उससे भी आपको थोड़ा सा दूर रहने की दरकार रहेगी ही रहेगी। मकर राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करता हूं, तो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण इंडिकेशंस कामकाज के अंदर मिलने चाहिए, नौकरी पेशा जीवन के अंदर मिलने चाहिए, वो आपके सामने आएंगे। प्रमोशन के जो लेवल सामने आने चाहिए या फिर आपको आगे बढ़ना है वो सारे ही स्तर आज आपके लिए बनते हुए देखे जा सकते हैं। विदेश संबंधी कामकाज में भी आज एक त्वरित गति आपके लिए बनी रहेगी। जो भी नए ऑफर बिजनेस के अंदर आए हैं आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यहां पर इंस्टेंट अप्रोच आपको दिखाकर जरूर आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण इंटरव्यू है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण असाइनमेंट आपको मिला है जहां पर भावी भविष्य का निर्धारण आपके लिए होता चला जाएगा, मकर राशि के जातकों के लिए यह दिन कई तरीके की अनंतकारी संभावनाएं लेकर आता हुआ देखा जा सकता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहां पर खुद को भयाक्रांत करके पीछे रखने का काम नहीं करें, ये बैक स्टेप लेने का नहीं, ये फॉरवर्ड स्टेप लेकर खुद की क्षमताओं को प्रूव करने का दिन है। बहुत लंबे समय तक खुद को हारा हुआ महसूस किया, बहुत लंबे समय तक खुद को पिछड़ा हुआ महसूस किया, ये दिन है कि हम फिर से अपनी गति को थामें, ये दिन है कि फिर से हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो सारी ही स्थितियां भले ही भाग्य हो, पराक्रम हो या साहस, वो आपके साथ में बनी हुई है। वहीं अगर मैं कुंभ राशि की चर्चा करूं, तो यहां आज मन के भीतर एक संतोष रहेगा, यानी कि जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कामकाज का वो बना रहेगा। दिन थकाने वाला है तो वहीं पे अज्ञात भय शुरुआती स्तर पे बन सकते हैं और उसके बाद लगातार एक संतोष सेटिस्फेक्शन पनपता हुआ देखा जाएगा। कम्युनिकेशन के फील्ड से अगर आप जुड़ाव रखने वाले हैं, ये दिन कामकाज के नए स्तर को निर्मित करने वाला हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में चल रहे हैं तो ये भी पाएंगे कि नए अनुभव, लर्निंग प्लस
प्लस अर्निंग दोनों ही एक साथ में सामने आती हुई देखी जा रही है। मौखिक स्तर के ऊपर किसी भी कमिटमेंट को अपने ऑफिस कल्चर में करने से आपको बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन का सहयोग और उनके साथ में चल रहा कामकाज आज रफ्तार के साथ में बढ़ने वाला रहेगा ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में भी इस दिन को आप खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चल सकते हैं। किसी भी रुके हुए प्रोजेक्ट की शुरुआत में आपको फिर से कदम ताल करनी है, इस दिन को आप खुद के लिए एक स्तंभ मानकर चले जाएं। मीन राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो आज आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर कई नए कामकाज आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन का सपोर्ट बना रहेगा। यात्राएं सुखद स्तर की तरफ लेकर जाती हुई देखी जा रही हैं, तो वहीं पे जो भी महानुभाव शिक्षा में फिर से सक्रिय होना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे थे, फिर से एजुकेशन में इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहते हैं, दोनों ही लेवल्स को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ये दिन उस लिहाजा निर्णय लेने के हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड के साथ में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में अगर आप जुड़ाव रखने वाले होते हैं, तब भी ये स्मृतियों में अक्षुण रख के चलते चले जाइएगा कि इस दिन जो संभावनाएं निर्मित हो रही है वो आपको नए से नए लेवल की तरफ लेकर जाती हुई देखी जा सकती है। इस बात को भी जरूर गौर करना चाहिए आपको। तो वहीं पर कोई भी मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, आप अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चले जाएं और कहीं पर भी संशय रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यह था 30 जनवरी 2020 का दैनिक राशिफल। ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ हम समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।